दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज फिलहाल तो मैं नहा धो के पूरा रेडी हूँ। अभी एक स्कूल में जाना है ना, तो स्कूल में कैमरा का काम आया था, तो कैमरा चलाने जाना है। तो दोस्त ने फ़ोन किया था कि चलना है करके, तो मैंने तो पहले मना कर दिया था, फिर बुला रहा है तो अभी जाना पड़ेगा करके। तो अभी वही आने वाले हैं, तो दिखाते हैं आपको आगे का, और स्कूल का जो प्रोग्राम हो रहा है वो प्रोग्राम भी दिखाते हैं, और बाकी आगे का रोड का। और बहुत ही अच्छा हो रहा है सुनने में आया, तो देखते हैं अभी क्या हो रहा है। वैसे मैंने अभी तक देखा नहीं है, जाने के बाद ही देखते हैं, फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर स्कूल में जाके सीधे। दोस्तों पहुंचने वाला हूं अभी स्कूल, देख सकते हो ये नज़ारा। चला तो पहुंच चुका हूं। इतना है कि आज का जो जमाना है, लोग लालच, इसको मन में रखना। हम भगवान से प्रार्थना भी करेंगे कि आपके बच्चे ऐसे ना हो, क्योंकि आप बहुत अच्छे लोग हो। आपके बच्चे भी अच्छे बनने चाहिए आप जैसे ही। उनके अंदर संस्कार ये होना चाहिए, किसी से माता पिता ने हमको पाल पोस के इतना बड़ा अच्छा इंसान बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, आईलेट सिखा के विदेश में भेजा, वहां डॉलर कमा गए, तो उनके अंदर इतना संस्कार तो होना चाहिए कि कभी सुख में दुख में माँ बाप का हाथ नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप भगवान बन के उनको पालते हो, लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो यही जवान बच्चे उनके गार्जियन बन के बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, बूढ़े माँ बाप की छाया बननी चाहिए। लेकिन अफसोस जब होता है माता बहनों, अफसोस जब होता है कि माँ बाप अपनी पूरी तपस्या, अपना जीवन लगा देते हैं तपस्या करते करते अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। जब बच्चे डॉलर कमाने अमेरिका पहुंच जाते हैं, 10 साल 20 साल काम करते हैं, और पति पत्नी यानी आपका बेटा आपकी बहू, जब वो दोनों सिनेमा हॉल में सिनेमा देखते हैं, अचानक आपके घर का नौकर उसका फोन जाता है कि साहब आपके पिताजी खत्म हो गए, तो बेटा सिनेमा हॉल में बैठे बैठे किसी को फोन करता है कि मेरे पिताजी खत्म हो गए, भाई चिंता कर लेना, बात खत्म हो गई। पति पत्नी दोनों सिनेमा देखते हैं, 3 घंटे की फिल्म हो जाती है पूरी। 3 घंटे की फिल्म खत्म होने के बाद पत्नी अपने पति से पूछती है कि आप इंटरवल में भाग रहते हैं, काफी लेट आए, क्या बात? तो पति बोलता है कोई ऐसी खास बात नहीं, हो डैडी खत्म हो गए। तो बहू बोलती है अरे डैडी खत्म हो गए, तुमने बताया नहीं? बोले नहीं नहीं मैंने बोल दिया नगर पालिका वालों को, वो ले गए बिजली घर में, दाह संस्कार में, बिजली घर से जो बनता है इलेक्ट्रिक सौग्रह, मैंने बोल दिया, वो संस्कार भी हो गया और घर में फूल बंद के आ जाएगा। क्या दोस्तों, हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के क्या ये इंसान बनाना चाहते हैं? तो थोड़ी सी माता बहनों, क्योंकि आज ये समारोह आपका बहुत अच्छा है, आप सब लोग नए नए सपने लेके अपने बच्चों को आपने देखने की कोशिश की है, लेकिन इस कोशिश में हमारे ये संस्कार खत्म नहीं होना चाहिए, रिश्ते नाते खत्म नहीं होने चाहिए, यह आपकी मेन ड्यूटी है। और जब जिस दिन हम यही ड्यूटी से हम भटक जाएंगे, हमारे बच्चों का जीवन भटक जाएगा, रिश्ता नाता भी भटक जाएगा, इस नाते हमारी मेन ड्यूटी है। और मैं चाहूंगा कि आलम जी ये जितना अच्छा स्कूल है, इससे बढ़िया दिल के आदमी है, ये बहुत अच्छे इंसान है। हम चाहेंगे कि आपका गणित है, इंग्लिश है, साइंस है, जो आपका पाठ्यक्रम है, इसके अलावा अलग घटकर जो कि नैतिक शिक्षा होती है, यह अवश्य बच्चों के बीच में होना चाहिए। इस पाठ को हमको कभी नहीं भूलना चाहिए, यही हमारी सरदारी है, यही हमारी सिक्की है, यही इंडियन कल्चर है, और इससे हमको कभी अलग नहीं होना चाहिए। और दोस्तों इससे भी बड़ा दायित्व, इस देश के प्रति
हम इस देश का नमक खाते हैं। हम भारत माता का इस जमीन का सीना फटता है, उसमें अनाज निकलता है, उस अनाज को खाते हैं। देश का सीना फटता है, जमीन का सीना फटता है, तब हम पानी उसका निकलता है तो वो पानी पीते हैं। इसके देश के प्रति भी हम लोगों को दायित्व बनता है, और वो यही दायित्व है कि जब अच्छी पर्सनैलिटी का निर्माण होगा तो अच्छे देश का निर्माण भी होगा, और वो आपके हाथ में है, वो आपके बच्चे हैं। इसलिए आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे तो एक नया भारत का निर्माण होगा। हम लोगों की ड्यूटी है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आलमजीत भाई, मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि मुझे बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन कुछ सुख दुख ऐसे आ गए बीच में, ताकि मुझे होते हुए मेरा मन यही था कि बच्चों का फंक्शन है, मैं लेट जा रहा हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, सभी लोगों से माफी चाहूंगा कि मैं लेट आया, उसके लिए क्षमा चाहते हुए। भाई बहनों, हम यहाँ मंच पे हैं, यह भी देन माताओं बहनों 100% आप लोगों की है। अगर जो आप लोगों का सकारात्मक आशीर्वाद मेरे साथ नहीं होता तो हो सकता मैं यहाँ नहीं होता। मैं यहाँ हूँ, आप लोगों ने चुनाव के दिनों में मुझको आशीर्वाद दिया, मेरे पास शब्द नहीं है कि इन शब्दों में आपका धन्यवाद दूं, लेकिन मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि हो सकता है कि जनप्रतिनिधि का दायित्व निभाते निभाते कई आपकी जो जिम्मेदारियां मुझे निभानी है उसमें भले कोई चूक हो जाए, मैं मानता हूं, लेकिन माता बहनों कभी ये चूक नहीं होगी कि मेरे किसी गलत काम से आपका सम्मान झुके, आपके दायित्व, आपके माथे पर कोई कलंक लगे, आपका अपमान हो क्योंकि वोट देके आप लोगों ने मुझको यहाँ का विधायक बनाया है। मैं आपकी बदनामी कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं किसी गलत काम में जीवन में कभी भी लिप्त नहीं हूंगा। ये मेरे जीवन का सपना है, और वही वजह है कि मैं एक झोपड़ी में पैदा हुआ था गरीब आदमी के यहाँ, और उसको आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है, तो मैं उस पर कभी दाग नहीं लगने दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आलमजीत जी आपको, आपके मैनेजमेंट कमेटी को, स्कूल प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ बुलाया। Thoughts provoking address set a perfect motivation for our young minds. We are fortunate to have you with us today. Thank you so much. Parents are requested, those are standing just near to the stage, near to the area, kindly sit down and please maintain the decorum of the school. Education and fun together makes the child successful. Art cannot be created or destroyed, only removed. I go to the past for research. I need to know what came before. তোমার কে জন্য ডাকাইছো তাহলে? আরে তোমার দৌড়নি লাগবে না, এখনই দেই দেই সরো। ठीक है सर, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो ये प्रोग्राम है वो आरजे क्रिएटिव लाइव पर लाइव चल रहा है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है
ना।